नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं। भीम आर्मी के संस्थापक और बहुजन समाज के हीरो नेता, युवा नेता, और जहां भी बहुजन समाज पर किसी तरह का अत्याचार हो, बहुजनों का कोई आंदोलन हो, बहुजनों का मुद्दा हो, सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण ने आनंदी बेन पटेल, जो कि यूपी की गवर्नर है, उनको एक पत्र लिखा और उन्होंने सीधे सीधे मांग की है कि 356 अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति से उन्होंने मांग की है कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। वो पूरी चिट्ठी उन्होंने लिखी है। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से अपराध हो रहा है, जिस तरह से पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से वहां हत्याएं हो रही है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, उस पर तो सबसे ज्यादा कहर टूट ही रहा है। जनरल कैटेगरी के लोगों भी जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जिस तरह से पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह से लगातार कानून के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से वहां जातीय हमला हो, धार्मिक उन्माद हो, जिस तरह से लूटपाट, चोरी, डकैती बढ़ रहा है, उसके लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण की जो आजाद समाज पार्टी, उन्होंने आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखा है और साफ साफ मांग की है कि 356 के तहत किसी भी तरह से आनंदीबेन पटेल से गुजारिश की है कि आप राष्ट्रपति को प्रेषित कीजिए और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। सोचिए, जिस तरह से 8 पुलिस कर्मियों को घेर कर मार दिया गया, उसमें लगातार साफ साफ मामले सामने आ रहे हैं कि विकास दुबे नाम का जो शख्स था, वो लगातार जिस तरह से पुलिस वालों पर अत्याचार करता था। कुछ दिन पहले उन्होंने एक थाना प्रभारी की पिटाई भी की थी। उसके बाद जिस तरह से पत्रकारों पर हमले होते रहे हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है और जिस तरह से असंवैधानिक काम हो रहा है, पहले NRCCA के प्रोटेस्टर्स की तस्वीरें लगा दी गई, अब विकास दुबे पर बिना कोई कार्रवाई किए हुए उनके घर ढहा दिए जा रहे हैं, तो एक जो एकदम डेमोक्रेसी को धत्ता बताया जा रहा है, कोई भी लीगल तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार जातीय हिंसा बढ़ रही है, चाहे वो प्रतापगढ़ का मामला हो यूपी में, चाहे तो जिस तरह से लगातार मीडिया जिस तरह से संकोच बरत रही है, जिस तरह सवाल नहीं पूछा रहे हैं, ये तो ये पहला कोई संस्था राजनीतिक दल है, वो है बहुजन आजाद समाज पार्टी, जो कि बहुजनों के नए नेतृत्व, बहुजनों के नए हीरो जो रावण है, चंद्रशेखर रावण, वो चला रहे हैं। उन्होंने अब साफ साफ मांग की है कि किसी भी कीमत पर यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।